अपराधों पर लगाम आखिर कब? प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार और पुलिस भले ही प्रदेश में रामराज की बात कर रही हो, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है, जहां निजी काम से घर लौट रहे बीएसएफ के एक जवान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वहीं सरेराव इस घटना से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। पूरी घटना क्या है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। प्रदेश की पुलिस और सूबे के मुखिया भले ही अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कर रहे हो, लेकिन प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी लगातार घटनाओं को अंजाम देते जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस महज जांच की थपली बजाती नजर आ रही है। सोचने वाली बात यह है कि देश की सुरक्षा करने वाले ही जब सुरक्षित नहीं है तो आम इंसान का क्या होगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात की, जहां अपराध का ग्राफ हर दिन नई ऊंचाइयों को छूता नजर आ रहा है। ताजा मामले में छुट्टी पर घर आए बीएसएफ के एक जवान को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रहने वाले शैलेंद्र सिंह बीएसएफ में एक सिपाही के पद पर तैनात है और छुट्टियों के चलते वो अपने घर पर आए हुए थे। सूत्रों की माने तो पुरानी रंजिश के चलते पास के गांव में ही कुछ दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना भी ऐसी कि इलाके के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। घटना उस वक्त घटी जब शैलेंद्र सिंह अपने किसी निजी काम से बाजार गए हुए थे। समय की बात करें तो रात के करीब 9 बज रहे थे और शैलेंद्र बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शैलेंद्र सिंह की बाइक को रोककर कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान शैलेंद्र सिंह ने अपने आप को बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कई राउंड चली गोलियों में से एक गोली ने शैलेंद्र सिंह को अपना निशाना बना लिया। वहीं इस इलाके में गोलियों की गूंजती आवाज को सुनकर स्थानीय लोगों को इकट्ठा होने में देर नहीं लगी, जिन्हें देख कर बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। पता नहीं ये लेते थे उठा कराची लौट रहे थे, मेरे बुआ का लड़का और मेरा भाई तभी वापसी में नाम में मेरे भाई के सैलेंग थी और तो सैलेंगपुर मोड़ पे कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घायल जवान शैलेंद्र सिंह को प्राथमिक उपचार के लिए सिकंदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक थी। डॉक्टर्स ने उन्हें अकबरपुर माती जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वही पीड़ित ने गोली चलाने वाले बदमाशों में से कुछ लोगों को पहचान लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है और शक के आधार पर पीड़ित द्वारा लिए गए नामों की जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अपराधियों के हौसलों के आगे पुलिस इतनी बौनी साबित क्यों हो जाती है? आखिर कब तक अपराध का ग्राफ बढ़ता रहेगा और पुलिस यूं ही जांच का ढोल पीटती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।